हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में बात करेंगे। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी, उसमें 892 पदों पर वैकेंसी निकली हुई हैं। दोस्तों, नेम ऑफ पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ये होगा। पोस्ट डेट जो है ये है 24 जनवरी 2018 को ये निकली थी वैकेंसी। दोस्तों, इसकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 5 फरवरी 2019 है। दोस्तों, अभी इसमें 2-3 दिन बचे हैं। जो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, उन्होंने अगर अभी तक इस जॉब में आवेदन नहीं किया है तो वो अभी 2 दिन तक और कर सकते हैं, उसके बाद में दोस्तों इसके लिए डेट निकल जाएगी। दोस्तों, आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉन्ट्रैक्चुअल। पोस्ट डेट है 24 जनवरी 2018। टोटल वैकेंसीज हैं 892। दोस्तों, ये बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू वैकेंसी निकाली गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल की। दोस्तों, इसमें जान लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज और किस किस डिपार्टमेंट में हैं। दोस्तों, अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर एनी ऑफ द कैटेगरीज। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एनाटॉमी डिपार्टमेंट में 38 वैकेंसी हैं, फिजियोलॉजी में 33 वैकेंसी हैं, फार्माकोलॉजी में 27, माइक्रोबायोलॉजी में 38, पैथोलॉजी में 22, बायोकेमिस्ट्री में 35, PSS में 36 वैकेंसी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट में 74, TB एंड चेस्ट में है 48। उसके बाद दोस्तों डर्मेटिक्स में है 38, सर्जरी में 23, शिशु डिजीज़ में भी 43 वैकेंसी दोस्तों इसमें हैं। उसके बाद में ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनाकोलॉजिस्ट के लिए जो पद इसमें हैं वो 61 हैं, PMR के लिए 27, ऑप्थमोलॉजिस्ट के लिए 42, रेडियोलॉजी के लिए 43 और एनेस्थीसिया के लिए 50 पदों पर इसमें वैकेंसी निकली हुई हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों साइकेट्रिक में 45, ऑर्थोपेडिस्ट में 28, ENT में 38 और रेडियोथेरेपी में 38, डेंटल डिजीज में 18 और उसके बाद दोस्तों जेरियाट्रिक्स में 6। ये दोस्तों इसमें वैकेंसी निकली हुई हैं। टोटल वैकेंसी जो दोस्तों हैं इसमें वो हैं 892। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसमें अप्लाई नहीं किया है तो इसकी लास्ट डेट अभी 5 फरवरी 2019 है। आपके पास इसमें कुछ समय बचा हुआ है, अब भी इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की फिर से बात करें तो स्टार्टिंग डेट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो थी 20/1/2019 और दोस्तों इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है 5 फरवरी 2019। दोस्तों, काउंसलिंग शेड्यूल जो इसका होगा वो होगा 7 फेब 2019, 12 फेब 2019 एंड 15 फेब 2019। 7, 12 और 15 फरवरी को दोस्तों इसकी काउंसलिंग होनी है। एज लिमिट जो इसमें दी गई है 1/7/2019 तक जो काउंट होगी वो है। मैक्सिमम परमिसिबल एज फॉर मेल 45 ईयर्स, मैक्सिमम परमिसिबल एज फॉर फीमेल 48 ईयर्स। दोस्तों, इसमें जो SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो 5 साल का है और जो OBC के लिए एज रिलैक्सेशन है वो 3 साल का होगा। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव एन MBBS डिग्री अलॉन्ग विद एन MD और अदर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई MCI विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। दोस्तों, इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने MBBS किया हुआ है, साथ में MD या कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से की हुई है। दोस्तों, इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन हम जान लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो पर्सनल इंटरव्यू होगा। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस लिंक पे क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की वेबसाइट है। दोस्तों, इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, आपको फॉर्म भी इसका यहीं पर मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप इसकी जानकारी PDF फाइल के थ्रू लेना चाहते हैं तो दोस्तों हमने इस वेबसाइट पर आपको PDF फाइल भी दी हुई है। यहाँ से क्लिक करके आप PDF फाइल खोल सकते हैं और दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ जाकर सीधे इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, सभी सरकारी एग्जाम्स और जॉब से रिलेटेड जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी एज क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी आपको सुटेबल जॉब होगी उसके बारे में हम आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे। धन्यवाद।